एक्सरसाइज 2.5 में अगर a माइनस बी का होल क्यू होगा तब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी छोटा कोष्टक में ए माइनस बी, और अगर आपके पास ऐसा दिखाई दे ए क्यू प्लस बी क्यू तो एक में ए प्लस बी और दूसरा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और अगर आपको ऐसा महसूस हो ए प्रति माइनस बी प्रति तो एक में ए माइनस बी और दूसरा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और अगर आपको ऐसा महसूस हो कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का यही सूत्र पूछा गया था शिवम याद है तुमको जन्मदिन के दिन यही सूत्र पूछा गया था तुमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी, इतना फार्मूला आपके हैं इसी का यूज कर। हालांकि इसमें एक और फार्मूला हम ऐड कर देते हैं कि अगर कोई आपसे कहे ए पर तीन प्लस बी पर तीन प्लस सी पर तीन माइनस तीन ए बी तो बराबर होता है एगो में ए प्लस बी दूसरा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, समझ रहे हो इतना माने सूत्र आपका है ठीक है। तो सी कर दो आप ए प्लस बी प्लस सी। चलो अब देखो कैसे सवाल लगाओगे तुम। देखो मान लो तुम्हारे पास आ गया ठीक है पांच सवाल आपका है एक्स प्लस तीन वाई के ऊपर तीन, एक को बता देंगे तो बाकी लगा लेंगे ना आपको चार वाई के ऊपर तीन तीन चार पाँच तीन एक्स प्लस पाँच वाई के ऊपर तीन चार एक्स प्लस तीन वाई के ऊपर तीन छः एक्स प्लस तीन वाई के ऊपर चार तीन। चलें अगर इसमें से आपको हम एक बता दें तो बाकी लगा सकते हैं आप लोग, करना क्या है बस इसको फार्मूला पर तोड़ते जाओ बस फार्मूला पर क्या करते जाओ। देखो बाबू आराम से समझो ये सवाल है उतार लो यहाँ पर एक्स प्लस क्या है तीन वाई है इसके ऊपर कितना है तीन है। हमें क्या करना जरा सोचो, हमें ये करना है कि जब ए प्लस बी को पर तीन है तो ए पर तीन प्लस बी पर तीन प्लस तीन ए बी छोटा कोष्टक में ए प्लस बी, समझो जहाँ जहाँ ए है तहाँ तहाँ एक जहाँ जहाँ बी है तहाँ तहाँ रखना है बस रखे हम लोग। अच्छा चलो तो क्या लिखोगे एक्स पर तीन प्लस तीन वाई पर तीन प्लस तीन एक जगह पर एक सत है एक्स गुड़े तीन वाई और छोटा कोष्टक में एक प्लस तीन, समझिए मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ ए प्लस बी है तो पहले ए पर तीन तब बी पर तीन तो फिर तीन आपके सूत्र में हमेशा रहेगा फिर आपका ए बी और ए प्लस बी हो जाएगी। अच्छा सुनो जैसे कब नू एक्स के ऊपर दो होके ठीक बा चाहे दो एक्स के ऊपर तीन लिखे कोगे चाहे दो एक्स के ऊपर चार हमेशा कोष्टक में लगा ली, माने कोष्टक में लगा लो सी फायदा बा कि दोनों के ऊपर ही चार घात बा, अगर हैंग लिख दीजिए हम लिखे ना हैंग कोष्टक ना लगा जाइए तो इसका मतलब हुआ केवल एक्स के ऊपर घात है दो के ऊपर नहीं है केवल एक्स के ऊपर हो जाए इसीलिए हम लोग कोष्टक लगा लेते, समझ गए चलो। अच्छा चलो हाई एक्स के ऊपर तीन वैसे ही लिखोगे सर। अच्छा तीन वाई के कितने बार तीन बार तीन बार कहा तीन बार लिखा था तीन है तभी तो कहा आ जाएगा तीन तरीका नौ वाई के ऊपर कितना तीन प्लस है तीन तरीका तीनों को एक साथ गुणा करोगे नौ एक्स वाई आया हो जाएगा एक्स प्लस तीन। अब सुनो हाई एक्स के ऊपर तीन प्लस सत्ताईस वाई के ऊपर तीन आया के मैं गुणा कर दूँ तो नौ कौ गए एक्स हो तो एक्स स्क्वायर कौ गो वाई एक प्लस है न थ्री सत्ताईस एक्स कौ गो वाई होता दो गो वाई एक बोलो तो समझाते हैं देखो कैसे तोड़ा गया ये सवाल था एक्स प्लस तीन वाई को ऊपर तीन हमने तोड़ा एक्स पर तीन प्लस दे दिया तीन वाई पर तीन प्लस तीन एक्स गुणे तीन वाई फिर छोटा कोष्टक में एक्स प्लस तीन वाई हम सभी लोग जानते थे ध्यान देना जैसे एक्स के ऊपर तीन है वैसे ही लिखें ये तीन वाई पर तीन है तो तीन बार आप तीन वाई लिखेंगे तो तीन तरीका नौ नौ त्री वही सत्ताईस और वाई के ऊपर तीन है तो तीन
हाई तीन तरीका नौ, एक्स वाई जैसे है वैसे ही लिख लो, प्लस एक्स प्लस तीन वाई जैसे है वैसे ही, तो एक्स पर तीन सताइस वाई पर तीन और फिर नौ। अब देखो इसका गुणा इसमें होगा फिर इसी गुणा इसमें होगा, तो नौ एक्स वाई के गुणा एक्स में करोगे तो कितने एक्स आ रहे हैं दो, तो नौ एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, दो एक्स हो रहे हैं तो एक्स स्क्वायर, फिर इसमें गुणा करोगे तो नौ त्री सताइस, ये वो एक्स हो रहा है कौ वाई दो गो, तो वाई को बदो आंसर बन जाएगा। अब ये चारों बना लोगे आप लोग, कुछ ना आप लोगों को बन जाएगा ठीक है। एक और बता दें, अच्छा ये पांचवा नंबर बता देते, पांच नंबर बता देते हैं, देखो एकदम ध्यान से देखना, दिया सिक्स एक्स प्लस है थ्री वाई इसके ऊपर तीन है, तो फार्मूला पर ही तोड़ना है, तो सिक्स एक्स के ऊपर तीन प्लस तीन वाई को ऊपर तीन प्लस तीन गुणा सिक्स एक्स गुणा तीन वाई, यहाँ पर सिक्स एक्स प्लस तीन वाई, सुनो आ इसको कितने बार लिखोगे तीन बार, तो देखो छः एक्स गुणा छः एक्स गुणा छः एक्स, तो जानते हो छः में छः से गुणा छत्तीस, और फिर छत्तीस में छः से गुणा करोगे दो सौ सोलह आ जाए, दो सौ तो दो सौ सोलह आ कहोगे एक्स बार तीन तो एक्स के ऊपर तीन, आपका बताइए नहीं सताइस वाई ना होगा, सताइस वाई के ऊपर तीन प्लस हाई देखा तीन तरीका नौ, नौ छके चौवन, चौवन एक्स वाई हो जाए, अभी छोटा क्वेश्चन में छः एक्स प्लस तीन आपका आ जाएगा दो सौ सोलह एक्स के ऊपर तीन प्लस सताइस वाई के ऊपर तीन प्लस आई गुणा कर देवे चौवन, चौवन में छः एक्स से पहले तो पहले छः चौके चौबीस के चार अंकों पहले लिखा जाला, छः बजे तीस दो बत्तीस आ कितने एक्स हो रहे हैं दो गुण हो, तो एक्स के ऊपर दो लिख दिया प्लस वाई प्लस अब भाई चौवन के गुण वही में हो, तो चार तीन बारह के दो पाँच पंद्रह एक सोलह एक सौ बासठ आ दो गो वाई होता तो एक्स आ दो गो वाई लिखा जाए वाई को बदू हमने कैंसिल, ए यार तीन वाई बात अपना बता सको तू मर दो साफ हुआ बड़ा मर दो मैं चार हम चार हैं क्या बनाने की छोटी देख लो चार तो हम ऐसे बनाते हैं देखो हो गया मिटा दे चल गया हाँ मैंने इसको नहीं मिटा रहे अब चार को पांच को तो नहीं माइनस वाला देखेंगे अरे यार तुम लोग को सीखना बहुत जरूरी है तुम लोग दस में जाओगे तो बहुत मजबूत रहोगे एक्स में तब इस दिया है एक प्रश्नावली पाँच पाँच में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है ए क्या कर रहा है भाई यार पढ़ लो ना सब क्या करते रहते हो यार ऊंचा सोच रखो तो नहीं आए हो तो दिल खोल के पढ़ो चल आ जाओ अब इसको कैसे हल करेंगे देखो एक सवाल इसमें से बता दे कौन बताए बताओ सबसे हार्ड कौन लग रहा है ये कौन बता दे ना माने फार्मूला यही रहेगा ये वाला ए पर तीन माइनस बी पर तीन माइनस तीन ए बी ए माइनस बी ताई पांच नंबर बता दे आपको कहा दिया सवाल में दिया है थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इसके ऊपर तीन हो गया तोड़ दे आप सूत्र पर देखो थ्री एक्स के ऊपर तीन माइनस फाइव वाई के ऊपर तीन माइनस तीन गुण है तीन एक्स गुण है पाँच वाई और छोटा क्वेश्चन में तीन एक्स माइनस पाँच वाई अच्छा इसको कितने बार लिखोगे बाबू सताइस हाँ हाई एक सौ पच्चीस जैसे पाँच वाई गुण है पाँच वाई गुण है पाँच वाई तो एक सौ पच्चीस वाई के ऊपर तीन आई तीन तरीका नौ नौ पचे पैंतालीस तीन तरीका नौ नौ पचे पैंतालीस एक्स वाई आ जाएंगे बाद तीन एक्स माइनस पाँच वाई होंगे अब ऐसा लिख लो सताइस एक्स के ऊपर तीन माइनस एक सौ पच्चीस वाई के ऊपर तीन अब पैंतालीस में तीन से गुणा कर दो पाँच कहीं पंद्रह अच्छा तीन बारह एक तेरह एक सौ पैंतीस कहोगे एक सौ तो दो गुनो तो एक्स के ऊपर दो वाई अकेले हाई देखा माइनस और माइनस हमेशा प्लस लिख देना हमेशा प्लस और पाँच से गुणा पहले पैंतालीस में जाए पाँच में जाए पच्चीस और पाँच सौ बीस दो बाईस आ कहो वाई दू गो एक्स वाई के ऊपर दू तुम्हारा आंसर एक्स वाई के ऊपर दू ये कहाँ गया आंसर आ गया अब बना लोगे और छोड़ दे सब बन जाएगा ना देख लेना तुम लोग समझ में आया ठीक है अब तनिक इस सूत्र पर आ जाओ इस पर पांच और सवाल ले लेते हम लोग
27 एक्स के ऊपर 3, 125 वाई के ऊपर 3, 64 एक्स के ऊपर 3, 121 वाई के ऊपर 3, इसमें माइनस वाला भी दे देता है, 8 एक्स के ऊपर 3 माइनस 27 वाई के ऊपर 3, मान लग दिया था 125 एक्स के ऊपर 3 माइनस 8 वाई के ऊपर 3। पांच नंबर है 116 एक्स के ऊपर 3 माइनस 27 वाई। भाई पांच सवाल है, कितना सवाल है अब आपको कैसे लगाना है हम बता दें। पहले भाई जब सवाल लगेगा ये पर 3 माइनस बी पर 3 पर लगेगा, ये जो सवाल लगेगा ये पर 3 माइनस बी पर 3 का, ये वाला फार्मूला से लगाएंगे ए पर 3 प्लस बी पर 3, क्योंकि ए प्लस बी है, एगो में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आपका है, समझ रहे बात को, तो कैसे हल करेंगे। ठीक है अनिल जो, चलो क्या करोगे, इसमें से कोई एक सवाल ले लो, हम बता रहे थे ना कि इसको सवाल को हे सूत्र पर तोड़ेंगे, और जो माइनस वाला होगा इसको इस पर तोड़ देंगे। चले देखो भाई 27 है तो ये बताओ, ध्यान देना बाबू एकदम बढ़िया समझना, 27 वा तो क्या लिखा सकल, 3 पर 3 लिखाई ना, 3 पर क्या लिखाई, अरे सब लोग जानते हैं जैसे 27 है ना ये वाला हिस्सा, तब 3 पर 3 है, एक्स पर 3, दोनों जब बराबर है तो खाली 3 एक्स के ऊपर 3 लिखा जाए, 125 तो तुलो शांत लो पाँच के, तो 5 वाई पर 3 लिखा जाएगा ना, आराम से लिख लो यहाँ पर कि 5 3 है ना, हाँ तो पहले बड़ा क्वेश्चन में 3 एक्स के ऊपर 3 अपना कोष्टक जरूर लगा के तभी लिखना, प्लस 5 वाई के ऊपर 3। अब कहेंगे तुराई, कहेंगे तुराई तो पहला में ए प्लस बी, तो पहला में चंगा बा वही लिखा जाए 3 एक्स प्लस 5 वाई, और दूसरा में क्या है भाई ए स्क्वायर, यानी जो 3 एक्स बा एक स्क्वायर प्लस 5 वाई एक स्क्वायर माइनस ए बी, एक मतलब 3 एक्स गुणे 5 वाई, समझे हो ना, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। सुनो भाई 3 एक्स प्लस 5 वाई होगा, लिखो है क्या दो बार लिखाएगा स्क्वायर है, तो 3 एक्स गुणे 3 एक्स, तो 3 तरीका 9 एक्स के ऊपर कितना आ जाएगा 2, और प्लस है 25 वाई के ऊपर 2, और 5 तो 15 एक्स वाई हो गया, बन गया। चलिए उस हुआ तो यहाँ पर पहले देखो फार्मूला ये समझो ना, ए पर 3 हो प्लस बी पर 3 हो, तीगो में ए प्लस बी, दूसरा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, हमने के ही रूप में सवाल के लावे के बाद तो ये दिया है सवाल में 27 एक्स के ऊपर 3 दिया, और 125 वाई के ऊपर क्या दिया 3 दिया, तो देखो क्या करोगे, 27 एक्स के ऊपर 3 है प्लस 125 वाई के ऊपर 3 बार, तो 27 है तो आप 3 एक्स के ऊपर 3 नहीं लिख देंगे, और फिर लिखेंगे 3 एक्स गुणा 3 एक्स गुणा 3 एक्स 27 हो जाएगा, और 125 वाला 5 वाई के ऊपर क्या आ जाएगा 3, अब भाई 3 अब मान लो घे रूप में आ गया, माने हे रूप में आ गया, अब इसको ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के रूप में रख दे, माने जहाँ जहाँ ए बा तहाँ तहाँ 3 एक्स, जहाँ जहाँ बी बता 5 बा, पहला ए का मान होता दूसरा बी का मान, पहला ए का मान दूसरा बी का मान, तो रखा गया तो पहला में तो 3 एक्स प्लस 5 वाई, और दूसरा में ये मानवा रही लेकिन देखा दे स्क्वायर बनो, तो 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई स्क्वायर माइनस ए बी, तो 3 गुणे 5 एक्स है, तो वैसे ही रख देंगे, इसका वर्क करेंगे तो 9 एक्स पर 2 होगा ना, डबल आप लिखेंगे 3 एक्स गुणे 3 एक्स, और इसका वर्क करेंगे क्या होगा 25 वाई के ऊपर 2 माइनस ये 5 तो 15 एक्स वाई आंसर हो गया, बन जाएगा। अच्छा एक माइनस वाला बता दे रहे हैं आपको, ये वाला 5 नंबर वाला देख लो, बन जाएगा ना सब। तो सुनो 5 नंबर सवाल आपका दिया है 216 एक्स के ऊपर 3 माइनस 27 वाई के ऊपर 3, तो हाई 216 तो क्या लिखा जी आपके बतानी है 6 के ऊपर 3 आएगा ना, अरे 216 बाद 6 के ऊपर 3 यार, 125 बाद 5 के ऊपर 3, 64 बाद 4 के ऊपर 3, अगर 32 बा 32 तो नहीं, अगर 8 बा तो 2 के ऊपर 3 ना लगा सकल,
दूसरा सिलेबस क्या लिखा है, छः, छः एक्स के ऊपर कहाँ आ जाए तीन, हाई तीन वाई के ऊपर तीन, तीन वाई के ऊपर तीन लिखाएगा ना, क्यों लिखाएगा, क्योंकि तीन को तीन वाई लिखा है 27। सुना और ये आगे चलो, अभी सूत्र पर तुरा जाए, ए माइनस बी के सूत्र पर तुरा जाए, ए माइनस बी, दूसरा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो पहला में क्या होगा छः एक्स माइनस तीन वाई, और दूसरा में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी छः एक्स के ऊपर दो प्लस बी स्क्वायर तीन वाई के ऊपर दो, और माइनस ना माइनस ना प्लस, ये बात ध्यान रखना है, ये देखना पहला में माइनस लग जाए ना, दूसरा में कोई माइनस ना लगे, सब प्लस रहे, ये भी तो छः एक्स गुणे तीन वाई, तो क्या हो गया योगों में छः एक्स माइनस तीन वाई। अब सुना है क्या, हाँ तो छः एक्स गुणा छः एक्स डबल लिखोगे ना, तो क्या हो जाएगा छत्तीस एक्स के ऊपर दो आ प्लस नौ वाई के ऊपर दो आ प्लस छत्तीस अठारह, अठारह बन गया, हो जाएगा लग जाएगा। अच्छा तनिक पाँचवें इसके लिए भी बता देते हैं, आप लगा लीजिएगा क्या खाती, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर, मान लकी तरह लगे पूछ दिया कि जा दो तीन बजे तनि को बताया तेन बाकी लगा लेना आप लोग, अच्छी बात है। अरे यार तुम लोग पढ़ते न, पढ़ते बढ़िया से, तो अभी इतना अच्छा पढ़ा देते कि दस में आपका बहुत अच्छा नंबर आता, तो पढ़ा नहीं किए बताओ, कल अंग्रेजी में पूछा जाए तो सूरज नहीं बता पा रहा, कहा जो ना क्या पढ़ता है, अगर तुरा कहना शुद्ध पर तुरा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी, सुनो चलो क्या तुरा आएगा, आई एक्स के ऊपर दो प्लस दो आई के ऊपर दो प्लस दो के ऊपर दो प्लस दो गुण है ए के जगह पर एक्स, बी के जगह पर दो आई प्लस दो गुण है दो आई गुण है दो प्लस दो गुण है एक्स, कुछ करा के नहीं कहें मैं जंगा सूत्र लिखल बन है, समझोगे उसी पर रख देना, लेकिन बड़का बह, अरे यार ये मान लो बी मान लो सी मान, एक्स के ऊपर कितना आ गया दो, आई डबल लिखोगे ना, तो चार वाई के ऊपर दो आई का आ गया चार, आई दो ना चार, चार एक्स वाई आई दो ना चार, चार दो ना आठ, आठ वाई छः ना नई गुणा होता आई दो ना चार, चार खाली एक्स हो जाए आंसर, नोट कर लो पढ़ा देता नहीं है ना, देखा क्यों तरल पूछ दे कि एक्स प्लस तीन वाई, एक्स प्लस तीन वाई माइनस चार इसके ऊपर दो दे दिया, तो इसको ये मान लो इसको बी मान लो इसको सी मान लो, सेम ऐसे ही फार्मूला पता है, अगर तुरा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी टू सी है तुर भाई, एक्स के ऊपर दो ए बात मत करो, यहाँ पर देखो थ्री वाई के ऊपर दो माइनस चार के ऊपर लिखा गई, माइनस तीन को पद लिखा गया ए बी सी वाला, अब टू लगा के लिखे को, तो सुनो टू गुण है ए के जगह पर एक्स बा, अब बी के जगह पर थ्री वाई बा लिखा गई प्लस, फिर दो गुण है बी सी, बी के जगह पर थ्री वाई बा और सी के जगह पर माइनस चार प्लस दो गुण है सी है, तो सी है तो एक्स बा माइनस चार है, हो गया समझे न, अरे यहाँ पर आ जाओ, सी है ना तो पहले माइनस चार रहेगा, सी है उसे कौन होता थोड़े वहाँ, देखा माइनस चार लिखो पहले आगुण एक्स लिखो तब वो माइनस चार एक्स, आ पहले एक्स लिखा तब माइनस चार लिखो तब वो माइनस चार एक्स, दो गुणा तीन लिखा चाहे तीन गुणा दो बातें की होता, चल गए हाई एक्स के ऊपर दो हो गई, हाई कितना आ जाएगा नौ वाई के ऊपर दो हो गया, आ हाई कितना आ जाएगा प्लस सोलह, हाई तीन दुना छः एक्स वाई, हाई चार तीन बारह दुना चौबीस माइनस चौबीस वाई, हाई माइनस चार दुना आठ एक्स, हो गया आंसर समझे, हम नोट कर लो।